silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. स्वागत है आप लोग का इटिगोल चैनल में। आज की सीरीज में हम लोग आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू को बनाने के लिए फिर से सीखेंगे। आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए कुछ नियम हैं। यदि आप लोग ने अभी तक उस नियम को नहीं जाना है तो हमारे वीडियो सीरीज में हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि वह क्या है नियम। तो आज का वीडियो कुछ बताने के क्रम में कुछ लंबा हो सकता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो को हम लोग इस ड्राइंग को हम लोग पूरा सीखें कि किस तरह से हम लोग आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं, तो चलिए हम लोग वीडियो में स्टार्ट करते हैं सीखना। चलिए मानते हैं कि आपको एग्जाम में इस तरह का ड्राइंग आ गया, लेकिन आपको इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से लाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं ड्राइंग में, जो कि लाइन के बारे में वीडियोस ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधा से इस ड्राइंग का आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू को बनाना और देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग जो देख रहे हैं ये व्यू, या व्यू देखने के बाद सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना होता है कि इसका फ्रंट किधर है। यदि फ्रंट इंडिकेशन है, किस ओर से हमें देखना है फ्रंट, तो उसको हम लोग बना सकते हैं। अदरवाइज जो हमको और जो लंबा सिरा हमें दिखेगा उसको हम फ्रंट मानेंगे। सपोज यहाँ पर यदि हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ से आप लोग इस तरफ से देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है 84 दिख रहा है, और इधर से यदि हम लोग दोनों को ऐड करते हैं तो 56 + 24 = 80 आता है। तो हम लोग इसको फ्रंट मान सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर फ्रंट का एक सिंबल भी बना हुआ मिल सकता है आपको इस तरह से, तो इसको फ्रंट मानते हैं। अब फ्रंट मानने के बाद हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, तीन भाग में इसको अलग करना है। सबसे पहले फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो ज्यादा हम लोग को नहीं, स्ट्रेस नहीं लेते हुए हम लोग सीधा सीधा किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट का में जो देखते हैं उसको पहले समझ लेते हैं, फ्रंट में हम लोग क्या देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्रंट, फ्रंट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लंबाई, तो एल से इंडिकेट करेंगे, इंटू ये आपका टोटल हाइट, तो इसको ऊंचाई। तो फ्रंट यदि हम लोग देखते हैं तो दो चीज हम लोग देख लीजिए, लंबाई और ये ऊंचाई। इसी प्रकार साइड व्यू, जब साइड को हम लोग देखेंगे इधर से तो हमें क्या दिखेगा, ये चौड़ाई, इसको भी से इंडिकेट करेंगे, और फिर हमारा ऊंचाई दिखेगा, इसको हम लोग फिर से ऐसे इंडिकेट करेंगे। और जब हम लोग टॉप व्यू को देखेंगे ऊपरी तरफ से तो हमें क्या दिखेगा, तो सबसे पहले हमें ये लंबाई दिखेगा और इधर से चौड़ाई दिखेगा, और ये जो इसकी ऊंचाई है ये इसमें मर्ज हो जाता है। तो इसको तीनों को आप सबसे पहले किसी भी व्यू को बनाने से पहले इसको देख लें कि यह कितना है। तो चलिए इसको हम लोग और करीब से चलते हैं। एल इक्वल टू कितना हमें दिख रहा है, 84 है, तो 84 लिख सकते हैं, इंटू अब यहाँ हाइट क्या है, हाइट क्या है हमारा, यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया हुआ है 72, तो ये आपका 72 हो गया। अब साइड व्यू में जो हम लोग देख रहे हैं बी इक्वल टू, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे 56 + 24, ये हमारा हो जाएगा 80 इंटू, और हमें क्या दिख रहा है, हाइट, हाइट में क्या है पहले से 72 दिख रहा है। और जब टॉप व्यू की हम लोग बात करते हैं तो टॉप व्यू में हमें क्या दिख रहा है, एल 84 इंटू बी 80। तो ये सबसे पहले आपको जान लेना है किसी भी व्यू को बनाते समय कि हमारे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए 84 × 72, 80 × 72 या फिर 84 × 80, ये तीन चीज को हमको याद रखना पड़ेगा। चलिए, ये हम समझाने के लिए इतना बताया है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब चलिए, इस व्यू को बनाने के लिए हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और व्यू को हमें बनाना भी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का तीन बॉक्स बनाते हैं। सपोज यहां क्या कर रहे हैं, जिन्हें नाप का बना रहे हैं, आप लोग जब बनाओगे तो पूरा पूरा डायमेंशन को यूज करेंगे। 84 है, सपोज हम लोग यहां से यहां का एक बॉक्स लेते हैं, ये 84, और हाइट 72 है, तो चलिए यहां से हम लोग इसको 72 लेते हैं, इधर से भी 72, ये टोटल 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री और ये 90 डिग्री में। तो ये पहला हम लोग सीधा सीखने के क्रम में इस चीज को निर्माण करते हैं, ये हम लोग फ्रंट के लिए बनाए हैं पहला। दूसरा हमें जस्ट
साइड व्यू बनाने के लिए इसी के बेस के अनुसार बीच में गैपिंग लेंगे और यहां से हम लोग इसको 80, अभी जो हम लोग निकाले थे 80 प्लस यहां पे ये भी हमारा हो जाएगा 72 फ्रंट के हाइट के बराबर साइड का हाइट। और ये देखिए हमारा हो गया फ्रंट के हाइट के बराबर साइड का हाइट 2। और इसके बाद फ्रंट के ऊपर में हमें टॉप बनाना है, क्योंकि हम लोग अभी जो बना रहे हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, तो फ्रंट का सीधा जो है उसी के अनुसार हम ये कैपिंग को मेंटेन करते हुए यहां से फिर 80 ये हमारा हो जाएगा 84 और ये फिर से 80 सिंपल सा ट्रिक है। जब हमें ड्राइंग बनाते समय कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। लंबाई चौड़ाई का एक बॉक्स बनाएंगे, सॉरी लंबाई और ऊंचाई का एक बॉक्स बनाएंगे, फिर चौड़ाई और ऊंचाई का दूसरा और लंबाई और चौड़ाई का तीसरा। तो यहाँ पर फ्रंट बनाना है, यहाँ पे साइड और यहाँ पे हम लोग टॉप को बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। सबसे पहले हम लोग जब देखने का प्रक्रिया करते हैं, जब हम फ्रंट को इस ओर से देख रहे होते हैं यहाँ सामने से, तो इसमें क्या सब दिखता है। सबसे पहले हमारा ये पोर्शन यहां से यहां दिखेगा इस तरह से, इसके साथ ये वाला पोर्शन आके इसमें ऐड होगा और प्लस ये वाला पोर्शन जो पीछे वाला पोर्शन इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग बनाते हैं कैसे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग ये जो इलिप्स बना हुआ है, ये इलिप्स से स्टार्ट करेंगे बनाना, जिसका कि सेंटर हम लोग को पहले से ज्ञात करना होगा। तो ये सेंटर कहाँ पे जा रहा है, यदि इस लाइन को हम लोग ये लाइन मानते हैं, इसका सेंटर यहाँ से कहाँ जा रहा है, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये सेंटर क्या है, यहाँ से इसकी दूरी होगी 32 और प्लस यहाँ पर रेडियस, इस रेडियस को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 32 प्लस 12 हम लोग कर ले 32 प्लस 44 मतलब यहां से हमारा ये सेंटर 44 के दूरी पर हो गया है। और इसकी गहराई कितनी है, यहां से इधर नीचे तो ये 32 इसकी गहराई है। तो हम लोग मेजर कर सकते हैं यहां से 32 हाइट पर, और यहां से इसका सेंटर जो जा रहा है, ये सेंटर जो दिख रहा है, ये सेंटर कितना अभी हम लोग निकाले हैं 44। तो चलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सेंटर लाइन ले लेते हैं। सपोज यहां से मेजर कर लिया हमारा 44 यहां पर आ गया, 44 यहां पर आ गया और यहां पे हम लोग इसको सेंटर लाइन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। यहां से लोग सेंटर लाइन 180 डिग्री और 90 डिग्री में सेंटर लाइन को ड्रा करते हैं। ये देखिए सेंटर लाइन बन गया यहां पर। अब सेंटर लाइन के बाद यहां क्या कह रहा है, ये हमारा रेडियस बना हुआ है जिसका की वैल्यू यहां पे कितना है, R12। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, R12 का आर्क लेंगे हाफ सर्कल में। तो आप लोग कंपास का यूज कीजिएगा, मैं फ्री हैंड इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से आप लोग यहां से R12 यहां पे भी हो रहा है, तो ये R12 का हम लोग ये रेडियस ले लेंगे। अब देखिए ये रेडियस यहां पे ऑलरेडी बन चुका है और इसके बाद कह रहा है कि ये लाइन इसके साथ आके मिला हुआ है। तो चलिए इस लाइन को हम लोग पूरा मिला देते हैं, ये लाइन इसके साथ मिल गया, मतलब यहाँ का ये चीज बन गया है। और इसके साथ अब देखिए यहां जो सेंटर है ये 32 यहां से हम लोग इसको इंडिकेट कर रहे हैं, 32 यहां से, तो 32 में से ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आग जा रहा है। तो यहां हमारा 32 है, 32 पर से हम लोग इसको क्या करेंगे, ये रेडियस लेंगे ये, और इधर जो रेडियस है इसके बाद ये हमारा भाग खाली है तो इसको हम लोग मिटा सकते हैं। ये हमारा नीचे का पोर्शन इस तरह से दिखा। अब यहां के बाद ये हाइट हमें यदि पता चले, और यदि हाइट हम इसको नहीं भी निकालते हैं तो ये क्या होगा, सारा लाइन एक दूसरे में जोड़ के सीधा 90 डिग्री में जाके मिल जाएगा। तो इसको हम लोग हाइट निकाले बिना भी यहां से सीधा इसको इसके साथ मिला सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन सारा मिलकर इस तरह से बन गया। इसके साथ अब क्या है, यहां का ये हाइट, ये दूरी कितना है, ये दूरी यहां से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन हमको यहां पे ड्रा करना है। तो चलिए इसकी इसकी दूरी को हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले हमारे पास 32 है तो यहां पर हम लोग 32 ले आए, ये 32 और ऊपर से जोड़ने के बाद क्या है, ये 8 प्लस 16
प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे 8 और प्लस 16 जोड़ देते हैं तो ये 10 16 और 6 56। अब 56 को आप माइनस कर सकते हैं 72 माइनस 56 तो यहाँ कितना हो गया आपको 6 16। ये जो दूरी निकला ये हमारा हो गया यहाँ से 16। तो अब यहाँ से आप ये हमारा 32 था, ये 32 के बाद यदि हम यहाँ से 16 ले लेते हैं तो लाइक हमारा यहाँ पे ये लाइन, मतलब ये पॉइंट निकालने के लिए हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट करके गणना करके निकाले हैं। तो चलिए ये हमारा यहाँ से 16 लेने के बाद ये फुल लाइन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी हम लोग इसको फुल लाइन दिखाते हैं। जैसे यहाँ फुल लाइन दिख रहा है वैसे यहाँ हम फुल लाइन दिखा है। इसके बाद इसके बीच का गैपिंग जो है वो कितना है 16 है, तो यहाँ से आप फिर से 16 इसको मेजर कर सकते हैं। चलिए इसको 16 सपोज मेजर करते हैं, हम लोग यहाँ पे आया और ये 16 के बाद ये चीज यहाँ हम लोग फुल लाइन दिख रहा है, यहाँ भी हम लोग फुल लाइन को दिखा दिए। अब देखिए इस तरफ जो दिख रहा है ये आपका एक दो, यहाँ भी एक दो और ये तीसरा भाग इस तरह से यहाँ पे बन गया, मतलब इधर का काम हमारा पूरा हो गया और इधर का काम हमारा अभी बाकी है। तो क्या कह रहा है, यहाँ से इसकी हाइट इसकी हाइट यहाँ पे छोटा हुआ, ये 32 आएगा, ये 32 हाइट होगा इसका भी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से फिर ये वाला 32 को अप करते हैं, यहाँ से 32 को हम लोग अप करेंगे। चलिए तो मेजर करते हैं 32 सपोज हमारा यहाँ पे आ रहा है, 32 यहाँ पे आ रहा है और इसके बाद क्या है यहाँ पे रेडियस है 16 का। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे इस तरह से मिलाएंगे और यहां से हम लोग 16 इधर 16 ले लेंगे और नीचे भी 16 ले लेंगे और दोनों को जब आगे की ओर बढ़ाएंगे सेंट्रल लाइन के द्वारा जब हम लोग आगे की ओर इसको बढ़ाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा एक सेंटर बनेगा और इस सेंटर पर से हम लोग ये आर 16 का रेडियस को मूव कर सकते हैं। इस तरह से इसको हम लोग मूव करेंगे, यहाँ पे देखिए ये रेडियस बन गया। अब क्या है हमारा ये पीछे का भाग पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा खाली है, तो चलिए पीछे भाग जब खाली रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे इरेज कर देंगे। पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ जो दिख रहा है वो भाग हमें स्पष्ट रूप से इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद इसमें जो छुपा हुआ भाग है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं 24 है, ये 24 भाग इधर से देखने के बाद नहीं दिख रहा है। तो इस क्रम में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक हिडन लाइन का प्रयोग होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इस पॉइंट से हम लोग 24 नीचे आएंगे। तो यहां से यदि हम लोग 24 नीचे आते हैं तो पहले हम लोग गणना करके देखें कि कितना पे हो रहा है, हमारा ये 8 है और पहले से 16 है। चलिए इस 16 प्लस 8 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 8 प्लस 6 इक्वल टू 14, 4 प्लस 1 टू 24। तो यहाँ क्या हो रहा है ये 24 और यदि इसको हम लोग दोनों को कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ भी हो रहा है ये लाइन हमारा 24, पर दैट मीन्स इसके अंदर ही यह हमारा जो हिडन लाइन है वो यहाँ पे छुप जा रहा है, क्योंकि दोनों का गणना करने के बाद दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है। यदि इस वैल्यू में थोड़ा सा भी कोई वेरिएशन होता तो यहाँ पे हमें एक हिडन लाइन दिखाना पड़ता। एक्चुअल में हिडन लाइन है लेकिन यह फुल लाइन हिडन लाइन को कवर कर दे रहा है। तो चलिए इस तरह का हमारा ये व्यू क्लियर हो गया। इसके बाद जो भी डायमेंशन है जो आपको डायमेंशन इसका करना है वो डायमेंशन आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायमेंशन भी करते हैं इसको, यहां से यहां की दूरी था हमारा 84। अब डायमेंशन करते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डायमेंशन आपको यहाँ पे शो हो रहा है उतना ही डायमेंशन यहाँ पे आपको दिखाना है अपने तरफ से, ना इसको हम लोग कम करेंगे और ना हमको इसको ज्यादा करना है। यहाँ 84 शो हो रहा है ये हम लोग 84 यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा दिख रहा है 32 सो हम यहाँ पे 32 शो कर सकते हैं। रेफरेंस लाइन लेंगे और एक एक लाइन को हम लोग शो कर सकते हैं। जितना लाइन यहां पे दिख रहा है उसको आप शो कर सकते हैं। तो इस तरह से यहां से यहां हम दिखाएंगे, बीच का गैपिंग रखेंगे और ये वाला भाग हम लोग इसको शो कर सकते हैं। यहाँ भी आप एरो बनाइए, ये हमारा दिखा रहा है 32 सो 32
ये हमारा है 16, ये हमारा है 8, यहाँ पे 8 शो करेंगे और इसके बाद डायमेंशन को पूरा हम लोग शो करेंगे, जिसको कि हम लोग एक्सिलरी डायमेंशन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अब ऑल ओवर डायमेंशन आपको दिखाना है। ये डायमेंशन कितना है हमारा, 72 है, तो यहाँ पे 72 हम डिस्प्ले किए। अंदर का डायमेंशन जो है एक्चुअल में ये यहां से नहीं, यहां से होगा। डायमेंशन थोड़ा सा मिस किया हुआ है, इसको हम ठीक कर दे रहे हैं। ये हमारा कितना है 812, सो डायमेंशन को मेंशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे R12 और इस तरह से रेडियस बनाएंगे। सेकेंड है हमारा डायमेंशन, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है हमारा 16, सो 16 को भी हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं R16। तो देखिए हमारा जो डायमेंशन यहाँ पे शो हो रहा है उसको हम दिखा रहे हैं, और ये डायमेंशन हमारा जितना है यहाँ पे उसको भी शो करना पड़ेगा। ऑल ओवर डायमेंशन हमें दिखाना पड़ता है, विदाउट डायमेंशन यदि आप ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग समझने में बहुत कठिनाई होती है। सो इससे बचने के लिए हम लोग को डायमेंशन पूरा करना पड़ता है। ये हमारा 32 है, ऑलरेडी यहाँ पे छुड़ा हुआ है, हम पहले से बोल के रखे हैं आप लोग को। तो ये देखिए हमारा फ्रंट व्यू जो है वो हमारा क्लियर हो गया, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं FRONTDIEW, ये हमारा इस तरह से फ्रंट व्यू इसका क्लियर हो गया। अब हम लोग साइड व्यू की बात करते हैं। साइड व्यू को जब हम लोग इस ओर से देखते हैं, ये 56 की तरफ से, तो इसमें क्या चेंजेस होता है उसको हम लोग देख सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको बनाते हैं। जो हमें दिख रहा है मतलब ये यहाँ पे एक्चुअल में दिख रहा है क्या, छोटा है, कम है, लेकिन इसका एक्चुअल में ये जो दूरी है रेडियस से क्या होगा, 32 होगा। तो पहले से हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, 32 ऑलरेडी इसमें मेजर किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस लाइन का रेफरेंस लेते हुए 32 को आगे बढ़ाते हैं। 32 कितना दूर जाएगा इसको हम लोग पहले समझ लें। ये 32 हमारा कितना दूर यहाँ जा रहा है, ये टोटल दूरी, ये टोटल में से हम लोग टोटल को ऐड करने के बाद यह 56 है, इधर से हम लोग 56 मेजर कर सकते हैं सीधा। तो यहां से हम लोग अब इसको सीधा 56 पर यहाँ पे चले जाएंगे, और इसके बाद जो हाइट है वो हाइट हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 32 है। यहाँ के बाद ये 32 हम लोग इसको ऑफ करेंगे। इसको आप मेजर कर सकते हैं, यदि मेजर नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से आप रेफरेंस ले सकते हैं उसका इसमें आकर के। तो यहाँ पे हम रेफरेंस ले रहे हैं, लगभग बराबर है, इसको हम लोग इसके साथ मैच करा देते हैं। अब देखिए ये जो भाग हमें दिख रहा था उस तरह का यहाँ भाग हमें ये दिखने लगा है। चलिए अब पीछे का भाग इधर क्या है हमारा, अभी खाली है, इसको अभी हम लोग बाद में इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। बट अभी हम लोग को क्या करना है, ये दूसरा भाग जो यहाँ से 40 दिख रहा है इसको हम लोग करते हैं। चलिए तो इस पॉइंट से 40 हमारा दिख रहा है, इसका मतलब इधर से जब हम लोग देख रहे हैं तो ये लाइन और इसके साथ ये लाइन आके मिलेगा, तो इस लाइन से 40 के दूरी पर। तो चलिए हम लोग इसको मेजर करते हैं 40। सो यहां से सपोज मेजर करते हैं 40 हमारा यहां तक आ रहा है, 40 हमारा सपोज यहां तक आ रहा है। चलिए यहां तक हमारा 40 आ रहा है। अब 40 हमारा हाइट टोटल जो जा रहा है उसको हम लोग को देखिए मेजर करना है, और मेजर यहाँ ऑलरेडी हम लोग करके रखे हुए हैं। यदि आप मेजर नहीं भी करना चाहते हैं उस हिसाब से भी इसको आप इसके अनुसार रेफरेंस लेके बना सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या करते हैं, यहां से देखने के बाद ये हमारा 28 दिख रहा है, ये 28 मतलब इस लाइन पे हमारा 28 दिखेगा। तो यहां से हम लोग 28 को मेजर करते हैं, सपोज यहाँ 28 हमारा हो गया। 28 के बाद कह रहा है क्या, ये हमारा डाउन पर्सन कितना है, 24 है। तो चलिए यहां से 24 है, लेकिन तो यहां से हम लोग सपोज 24 यहां से हम लोग मेजर कर लें इस तरह से, 24 हमारा यहाँ पे आ रहा है, और इधर से हमारा ये 40 है। तो 40 और 24 का रेफरेंस लेंगे हम लोग, क्योंकि ये पॉइंट हमें बनाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से हम लोग
हाइट लेंगे और इधर से इसका रेफरेंस लेंगे तो ये पॉइंट हमारा आ जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, टेपर दिख रहा है, तो इस टेपर को हम लोग यहाँ से इजिली मिला सकते हैं। ये हमारा टेपर आ गया और इसके साथ ये लाइन आके इसके साथ मेस कर चुका है। चलिए अब इधर वाला भाग जो हम देख रहे हैं ये क्या है, पूरा खाली है, तो अब इसको पहले हम लोग खाली कर लें। ये वाला पोर्शन पूरा हमारा खाली हो चुका है पीछे। अब जब बचा हुआ भाग है वो क्या है, इसके साथ ये जो बना हुआ भाग है इसको हम लोग दिखाएंगे। तो यहां से कितना है हमारा 8, क्योंकि 8 ऑलरेडी यहां से हमारा मेजर्ड किया हुआ है। ये देखिए ये 8 का रेफरेंस लेंगे और इधर अंदर कितना जा रहा है वो भी वहां लिखा हुआ है 8, तो ये 8 हम अंदर आ गए, इस लाइन को इसके साथ मिला दिए। और यहां से कह रहा है नीचे जाना है 16, तो 16 ऑलरेडी यहाँ पे हमारा मेजर्ड किया हुआ है। इस पॉइंट से हम यहाँ पे 8 मेजर यदि करते हैं तो ये हमारा ऑलरेडी 16 हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी मिला देंगे। और अब क्या है, ये बीच का भाग हमारा पूरा खाली दिख रहा है। जब वहां खाली दिख रहा है तो इजिली आप इसको भी यहाँ से इस तरह से खाली करके दिखा सकते हैं। तो चलिए इसका शेप भी हमको समझ में आ गया, ये शेप किस तरह से दिखेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, यहाँ से इस पॉइंट से 12 नीचे जाने के बाद एक स्लॉट बना हुआ है जो कि रेडियस में गया हुआ है, जो कि इसको हम लोग इंडिकेट यहाँ से कर पा रहे हैं। ये हमारा 12 है, इसी अनुसार यहाँ भी तो 12 दिखेगा, तो कितना दूर दिखेगा हमारा 40 तक पहले दिखेगा। उसके बाद ये जो कॉर्नर है वो आपस में हिडन ग्रुप में बढ़ते चला जाएगा। तो हमारा यहां तक तो हमारा ऑलरेडी नापा हुआ 40 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से हिडन लाइन 3 मिलीमीटर को खींचते हुए दिखाते हैं ये। अब इधर से हमारा ये क्या है, गहराई 12 है, तो ये 12 पर हम लोग सिंपल इसका रिलेशन लेंगे और लेने के बाद इस पॉइंट से भी हम लोग इस हिडन लाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर हमारा ये दूसरा व्यू भी क्लियर हो चुका है। अब इसका भी आप डायमेंशन इजीली कर सकते हैं। चलिए तो डायमेंशन हम लोग करते हैं, ये जितना दूरी था उसको हमको दिखाना पड़ेगा। ये दूरी हमारा कितना है टोटल, तो यहां हम ऐड कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं दिखा के एक साथ भी ऐड कर सकते हैं अदरवाइज चाहते हैं दो भाग में दिखाने के लिए। यहां से रेफरेंस लाइन हम लेंगे, ये रेफरेंस लाइन, और यहां से हम लोग क्या करेंगे 56, ये हम हो गया यहाँ पे 56। और चेन डायमेंशन नहीं करेंगे, चेन डायमेंशन के बदले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस डायमेंशन लाइन को इंक्रीज करेंगे और यहां से हम लोग क्या करेंगे इसको एब्सोल्यूट डायमेंशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए ये हमारा एब्सोल्यूट डायमेंशन में यह हम कर रहे हैं कितना कितना निकाले थे हम लोग टोटल 80, ये हम 80 में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक साइड का डायमेंशन हो चुका है। अब हम लोग इसका डायमेंशन यहां करने की कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर हम लोग दिखा चुके हैं इसको दिखाने के लिए। यदि आप चाहते हैं तो इधर दिखा दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो इधर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम लोग को इधर से बच गया क्या देखने की, ये टोटल 72 जिस तरह से यहाँ दिखा है इसको भी हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो चलिए ये सबसे पहले हम लोग एक्सटेंशन लाइन लेते हैं, ये हमारा 32 था, इस दूरी को हमको नहीं दिखाना है। इस तरह से हम लोग इसको ड्रा करते हैं। तो ये हमारा डायमेंशन यहां से इसको दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको डायमेंशन को दिखाते हैं, ये हो गया 32, देन 16, और ये हो जाएगा हमारा 8, और टोटल यूनिफॉर्म में दिखाने के लिए डायमेंशन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से फ्रंट व्यू में हम लोग दिखाए डायमेंशन उस तरह से साइड व्यू में भी डायमेंशन दिखे तो हमारा ड्राइंग और अच्छा लगता है। सो यहाँ पे हो जाएगा ये टोटल हमारा 72, यहाँ का डायमेंशन भी हमको दिखाना पड़ेगा। ये डायमेंशन हमारा था टोटल, यहाँ पे था हमारा 28, चलिए यहाँ पे हम लोग 28 करते हैं,
डायमेंशन करते समय डायमेंशन लाइन हर हमेशा पतला होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें यहाँ यूज कर रहे हैं उसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम लोग अब यहाँ जो बात बाकी ये भाग हमारा बस रहा है टेपर भाग, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये डायमेंशन जो हमारा 40 है कहीं बाहर दिखाने की जगह नहीं है, इसलिए हम इसको डायमेंशन को यहाँ इस जॉब के अंदर ही दिखा सकते हैं। तो यहाँ भी हम इसको इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको 40 दिखाएंगे। चलिए इधर वाला भाग हमारा हो गया, अब ये डायमेंशन जो बचा हुआ है इस डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये डायमेंशन देखिए, ये हमारा डायमेंशन आ गया 32 और ये इसको हम लोग जोड़ते हैं टोटल इस तरफ, एक बार इसको जोड़ करके टोटल को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा डायमेंशन 32 + 32 = 64। तो ये डायमेंशन यहाँ पे आपको दिख गया। अब इसका ये भाग बचा हुआ है, ये जो भाग अंदर में स्लॉट बना हुआ है उसकी गहराई भी हमको दिखाना है, तो चलिए इसकी गहराई भी हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, 8 है, इसकी 8 को हम लोग दिखा दिए, 16 को दिखा दिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं राइट साइड व्यू, राइट साइड व्यू। तो ये आपका इस तरह से ये हमारा राइट साइड व्यू हुआ। अब हम लोग टॉप व्यू की बात करेंगे, तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहां से जब हम लोग देख रहे हैं टॉप व्यू में, मतलब इस ओर से ऊपर की ओर से देख रहे हैं, तो ये हमारा ये पोर्शन हमारा अभी कहाँ बन रहा था, ये पोर्शन हमारा इस ओर बन रहा है और जो बाद बाकी का भाग है वो हमारा उधर प्लेन है। चलिए इसको हम लोग मेजर करते जाते हैं और फटाफट बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला भाग यहाँ से लेकर के टॉप तक हमारा ये 56 तक जाएगा। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी ये चीज नापा हुआ है, इसके जस्ट यहाँ से हम लोग लेंगे ये 56। अब देखिए ये 56 हमारा आ चुका है और जो बच गया बाद में वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, और ये भाग भी प्लस साथ में इसको पूरा निकाल लेते हैं हम लोग। ये टोटल भाग यहाँ से हम लोग यहाँ तक ले लिए हैं और इसके बीच में यहाँ से बचा रहा है 24 है, ये 24 हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ये 24 यदि मेजर करते हैं तो हमारा इधर 56 और इधर 24 आ गया, इधर तो हमको दिख गया। अब चूंकि ये हमारा गोल बना हुआ है तो इसके लिए इस गोल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर लाइन, ये जो सेंटर लाइन पहले से हम लोग बना कर रखे हैं, इस सेंटर लाइन के जस्ट सामने इसका रेफरेंस लेते हुए हम लोग इसको सेंटर लाइन को ड्रा करेंगे। तो चलिए सेंटर लाइन को हम लोग ड्रा करते हैं, 2 मिलीमीटर बाहर रखते हैं और सेंटर लाइन 5:1 के रेशियो में इसको ड्रा करते हैं। और इसके बाद ये इधर हो गया 12, तो इधर भी हमारा ये क्या होगा 12 होगा। तो चलिए 12 को लेते हुए हमारा टोटल हाइट हमें कितना दिखाना है यहाँ पे 40, सिर्फ हमें ये 40 दिखेगा, 40 के अंदर ये चीज हमें करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से मेजर कर लेते हैं, ये हमारा ऑलरेडी नापा हुआ है, ये जो दूरी है हमारा 28 यहाँ ऑलरेडी नापा हुआ है, इसके सामने यदि हम रखते हैं इस तरह से ये 12 अपने आप ही इसके साथ निकल जाएगा। तो जब आप लोग बनाइएगा तो मेजर करके बनाइएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, सिंपली 40 पे चले जाना है, जहां भी 40 जाएगा ये 40 और ये लाइन यहाँ से 40 के बाद ये हो गया। और पीछे की तरफ क्या है हमारा पूरा खाली है और ये लाइन इसके साथ आके मिला हुआ है। यहां भी हम क्या करेंगे, इस लाइन को इसके साथ आके मिला देंगे, क्योंकि ये लाइन हमारा इसके साथ आके मिला हुआ है और इधर क्या है पीछे की तरफ खाली है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग हर बार की तरह इसको भी पूरा खाली कर देंगे। चलिए हमारा बैक साइड पूरा खाली हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है 28 और 28, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे 28 मेजर कर लेंगे। तो चलिए सपोज हम लोग यहाँ से 28 को मेजर करते हैं, यहाँ से 28 यहाँ पे आ रहा है, ये 28 यहाँ पे हमारा आ गया और ये जो बाद बाकी का भाग दिख रहा है 28 को निकालने के बाद, ये हमारा इधर का भाग का टेपर दिख रहा है जो कि हमारा 12 होगा।
चलिए ये तो हम लोग बना लिए, अब क्या है जब हम लोग ऊपर से देखेंगे इसको तो यहाँ ये जो भाग दिख रहा है ये कटा हुआ भाग, इधर से ये 28 क्या कर रहा है इसको ढके हुआ है, लेकिन ऑलरेडी ये जॉब के अंदर कटा हुआ है, तो इस को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हिडन लाइन यूज करते हैं। हिडन लाइन यहाँ से क्या होगा, ये जो गहराई है 8, इस पॉइंट से 8 पर हिडन लाइन यहाँ पे जाएगा। सो हम लोग यहाँ से 8 मेजर करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग हिडन लाइन को दर्शाएंगे। चलिए तो ये हिडन लाइन हो गया। लाइन के बारे में यदि आपको समझना है तो इसका वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां जाके आप टोटल लाइन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जब टॉप व्यू हम लोग इसको ड्रा करते हैं ये इस तरह से हमारा दिखता है। यहाँ पे क्या है, ये कर्व बना हुआ है, इस कर्व को आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, इसको यदि आप चाहते हैं इस कर्व को भी यहाँ पर हम लोग दिखा लें तो क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम कुछ लाइन को ड्रा कर सकते हैं, दो तीन लाइन हम इसके साथ यदि ड्रा कर देते हैं तो ड्राइंग में आप इस तरह से कर्व को दिखाने के लिए दो तीन लाइन को ड्रा कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी डायमेंशन है इस डायमेंशन को प्लेस करेंगे। चलिए इसको हम लोग प्लेस करते हैं, जो हमारा दिख रहा है उस डायमेंशन को यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। हमारा ये 32 दिख रहा है और ये हमारा इधर भी दिख रहा है। आप लोग जब इसको मेजर करके बनाएंगे तो एक्चुअल वैल्यू बनेगा, क्योंकि हम सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं कि ये थोड़ा सा मेजरमेंट में नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ पे 32 है इसको 32 शो कर सकते हैं। इधर वाला भाग हमारा कितना है टोटल 28 है, तो चलिए यहाँ पर 28 शो करते हैं। बीच वाला भाग आप चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं, दिखाना चाहें तो दिखाइए, नहीं यदि दिखाना चाहते हैं तो टोटल एक्सिलरी करके आप दिखा सकते हैं। तो 12 था तो यहाँ पर माइनस प्लस करते हैं यहाँ पर 24 आ जाएगा ये चीज। इसके साथ एक्सटेंस कर देते हैं और इसका जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्लेस करते हैं 0, और इसका टोटल कितना था हमारा 84 था, ये 84 यहाँ पे आ जाएगा। और इस ओर से आप इसको दिखा सकते हैं जो आपका डायमेंशन है, और ये ऑल ओवर पे यहाँ पे दिखा सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग दिखाते हैं, ये हमारा कितना था 28, ये 28 और ऑल ओवर यदि आप दिखाना चाहते हैं यहाँ से ऑल ओवर दिखा दीजिए, यहाँ से ऑल ओवर में 40 दिखा सकते हैं, 40 था हमारा टोटल 40 दिखा दिए, इसकी गहराई की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर से हम लोग दिखाना चाहें, चलिए इधर से हम लोग क्या करें, इधर से ये हमारा दोनों को वीडियो हम दिखा सकते हैं, तो एक दिखाएंगे और दूसरा एजुलरी करके हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये पहले जो दिख रहा है हमें इसको प्लेस करते हैं वैल्यू, ये हमारा कितना है 56, और इसके बाद सेकेंड एक्सिलरी डायमेंशन को हम लोग दिखाएंगे और यहाँ पर भी वीडियो बना के टोटल हमारा कितना जोड़े थे हम लोग इसको और प्लस इसको जोड़ने के बाद ये हमारा 80 आ जाएगा, इस 80 को हम लोग दिखा देंगे। और इसके बाद यहाँ पर प्लान या टॉप भी लिख सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं इसको। तो अभी आप लोग देख रहे थे ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से किस तरह से हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाए हैं वो सिंपल तरीका से। इस तरीका से बनाने के बाद आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी कुछ समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, और बनाने के और भी मेथड हैं लेकिन ये सबसे सिंपल मेथड है, इस मेथड से आप लोग इसको बना सकते हैं। और यदि आप आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू में परिवर्तन करते समय क्या नियम है इसको देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में वहां पे हम डिटेल में समझाए हैं, उसको आप देख सकते हैं, देख के अपने लेवल को और अप कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इस सीरीज में आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक व्यू को बनाना सीखें, और शायद यह आप लोग का लेवल को और अच्छा करेगा, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग वीडियो को बनाते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।